अस्सलाम वालेकुम। हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आज फिर हाजिर हुई हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ। ये भी रेसिपी मेरी चटनी के ऊपर है। आज मैं आपको सिर्फ खजूर की चटनी कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। ये खजूर की चटनी आप दही बड़े के ऊपर डालकर खाएंगे तो दही बड़े का टेस्ट जो है वो दुगुना हो जाएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले खजूर को हम पानी में भिगो देंगे मैक्सिमम 4-5 घंटे के लिए, ताकि ये एकदम सॉफ्ट हो जाए और इसके ये बीज जो है वो हम अलग कर लें। और खजूर भिगाने से पहले एक बात का आप ये ध्यान रखिएगा कि खजूर को पहले धो लीजिएगा, फिर पानी में भिगोइएगा। और जिस पानी में भिगोइएगा वो पानी को फेंकिएगा नहीं, क्योंकि उस पानी का यूज हम खजूर पीसने में यूज करेंगे। खजूर को जब हम पीसते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीसते हैं, तो ये पानी हम इसमें डालेंगे, ये पानी हम फेंकेंगे नहीं। खजूर पीसने पे देखिए उसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए, कोई लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए। कोई भी खजूर में ऐसे देखिए, जब आप खजूर को भिगाएंगे तो खजूर में ऐसे इसके छिलके भी उचड़ जाते, तो ये छिलके भी नहीं आने चाहिए। यानी आपको इतना महीन बारीक पीसना है कि इसमें ये छिलके भी ना आए, एकदम मखमली टेक्सचर, या जैसे आप कह सकते हैं कि मखनी टेक्सचर या क्रीमी टेक्सचर जिसको बोलते हैं, वैसा होना चाहिए। अब इसके ऊपर हम इसमें मसाले क्या क्या पड़ेंगे वो बताते हैं हम आपको। इसमें भगार जैसे ज्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, सिर्फ आप 2 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर लेंगे, 1 टेबल स्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लेंगे, ज्यादा खाते हैं तो डालिएगा, कम खाते हैं उस हिसाब से आप अपना डाल लीजिएगा। बघार में हम कलौंजी और लाल खड़ा मिर्चा डालेंगे। फ्राई पैन में मैंने पहले से तेल गरम करने के लिए रख दिया था, ये तेल नीम गरम हो गया है। इसमें पहले हम कलौंजी डालेंगे, कलौंजी अच्छी सारी रहेगी, मैंने 1 टीस्पून लिया है। और ये खड़े मिर्चे को ऐसे आप तोड़ के डालिएगा। थोड़ा सा ये हो जाए फिर इस तड़के को हम खजूर की चटनी में ऊपर डालेंगे, और उसी ही वक्त हम नमक और ये लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। मीडियम आंच पे इसको करेंगे, तेज आंच पे नहीं करेंगे, नहीं तो लाल मिर्चा जल जाएगा। ये देखिए मैंने खजूर पे जो बघार तैयार किया था वो डाल दिया। अब इसी वक्त हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर और नमक डाल देंगे और फिर इसको मिक्स कर देंगे, अच्छे से खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से एकदम बघार और लाल मिर्ची पाउडर नमक सब एकदम मिक्स हो जाए। इसको कुछ पकाना वकाना नहीं है, बस सारे खजूर पीस के उसमें मसाले डाल के और तड़का जो हम लोगों ने कलौंजी का लाल खड़े मिर्चे का बनाया था वो इसमें डाल देंगे। और एक चीज और है कि आप अगर इसको इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखने में लगे, तो इसमें आप फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें चुटकी भर फूड कलर ऐड किया जिससे ये थोड़ा रेडिश जैसा हो गया है। हमारा खजूर का जो हमने बनाया था वो कुछ ऐसा इस कलर का था। अब ये वाला कलर आप देखिए, आपको थोड़ा फर्क नजर आ रहा होगा, तो इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर लाल मिर्ची पाउडर में डाल दिया था, उसी के साथ इसको मिला दिया है। ये आपकी तैयार हो गई खजूर की चटनी। इसको आप दही वड़े के साथ खाइएगा, बहुत अच्छी लगेगी। अभी तक आपने दही वड़े पे इमली की चटनी, अमचूर की चटनी ये सब डाल के खाते थे, अब आप खजूर की चटनी डालकर खाइएगा, देखिएगा टेस्ट में क्या फर्क आता है। चलिए अमचूर की चटनी की बात हो रही है तो मैं आपको आज अमचूर की चटनी भी बनाना बता देती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास चटनी नहीं रहती, इमली की चटनी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, पहले इमली को भिगाओ, फिर उसका पल्प निकालो, फिर बनाओ। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास चटनी है कम है तो थोड़ी और चटनी की जरूरत पड़ती है, तो फौरन झटपट कैसे चटनी में बनाए वो अमचूर की चटनी से मैं आपको बनाना बताऊंगी। उसके लिए क्या क्या सामान लगेगा देख लीजिए। मैंने ये 30 ग्राम अमचूर पाउडर लिया है,
भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है 1 टीस्पून, 2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर लिए हैं। अगर आपके पास सौंठ का पाउडर यानी अदरक का पाउडर है तो वो आप 1 टीस्पून ले लीजिएगा। और मैंने चुटकी भर यहाँ पे गरम मसाला लिया है और ये फूड कलर आपको चाहिए, चुटकी भर फूड कलर भी चाहिए। मसाले को घोलने के लिए पानी चाहिए। ये क्या चीज है मैं इसको आपको लास्ट में बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले सारे सामान को घोल देते हैं। सबसे पहले अमचूर पाउडर बाउल में डालेंगे, फिर इसमें पानी डाल देंगे। जितना पतला रखना उस हिसाब से आप पानी डाल दीजिए। पानी ज्यादा भी हो जाएगा तो भी टेंशन की बात नहीं है। लास्ट में एक ऐसी चीज मैं डालूंगी जिससे चटनी फटाफट गाढ़ी हो जाएगी। अब ये सारा सामान मिला लिया हमने और इसको अच्छे से इससे मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स ना रह जाए। अच्छे से इसको मिक्स करते रहेंगे। आप चाहे तो इस स्टेज पे ये डाल सकते हैं फूड कलर, और चाहे तो पकाते वक्त डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम गैस पर पकाएंगे। मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और पानी डालूंगी। ये फटाफट तैयार होने वाली चटनी है। अक्सर बच्चों को इमली की चटनी वाली चाहिए रहती समोसा वगैरह खाने के लिए, तो ये चटनी उसके लिए बेस्ट है, फटाफट तैयार हो जाती है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रह जाए, नहीं तो वो फिर मुंह में आएगा। ये देखिए मैंने इसको पका रही हूँ। इस स्टेज पे अब हम शक्कर इसमें डाल देंगे। मैंने 4 टेबल स्पून शक्कर इसमें डाली है और इसको थोड़ी देर पकाएंगे। और यहीं पर मैंने इसमें फूड कलर डाल दिया ताकि इसका लुक एकदम रियल लगे। अगर बहुत ज्यादा जल्दी है तो ये जो इंग्रेडिएंट था मैंने कहा था मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर का यूज अक्सर सूप वगैरह को गाढ़ा करने के लिए किया जाता है। अगर आपकी चटनी में पानी ज्यादा पड़ गया है तो आप इसको डाल दीजिएगा, फटाक से गाढ़ी हो जाएगी। तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है अभी। ये देखिए ये पूरी पक के तैयार हो गई है अमचूर पाउडर की चटनी। एकदम हलवाई वाला लुक लग रहा है। मुझे इतना ही पतली ये चटनी चाहिए। अब इस स्टेज पे मैं उतार लूंगी। तैयार होने के बाद दोनों चटनी का फाइनल लुक, ये अमचूर पाउडर से बनी हुई चटनी है और ये खजूर की चटनी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी दोनों चटनी की रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एक नई रेसिपी के साथ मैं फिर आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना मत भूलिएगा।